देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता, देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश में कोई संशय नहीं कि अगर देश रहेगा, देश समृद्ध होगा, तो सबकी समृद्धि तय है। हमारे पूर्वजों के पास अनुभव का अगाध ज्ञान था और अनुभव के निचोड़ से कहावतें बनती थी। और हमारे यहां हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी हुई एक कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। साथियों, आज के जनादेश में एक और संदेश है, समाज के बीच दूरियां बढ़ाकर राष्ट्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी करके जो राजनीतिक दल तत्कालिक लाभ लेने की फिराक में रहते हैं, उन्हें देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी देख भी रही है और समझ भी रही है। भारत का भविष्य फॉल्ट लाइंस को बढ़ा करके नहीं, फॉल्ट लाइंस को गिरा कर ही उज्जवल बनेगा। कभी भाषा की दीवार, कभी रहन सहन, कभी क्षेत्र, कभी खान पान, कभी ये वर्ग, कभी वो वर्ग, लड़ने के लिए तो सैकड़ों वजह हो सकती है, लेकिन जुड़ने के लिए एक वजह ही काफी है। ये मातृभूमि, ये धरती, ये देश, ये हमारा भारत।